हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बलून विच ऑलवेज स्पेरिकल हिज डायमीटर 3/2 2x+1 फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, तो उसने पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स हमें फाइंड करना है यहाँ पर dv/dx। क्या फाइंड करना है भाई? dv/dx। तो वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, और उसने उस किसका बलून यानी गोले का है ना, जो स्पेरिकल है उस गोले का आपको एक डायमीटर गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनके लिख लेते हैं। सो गिवन है हमारे पास डायमीटर d इज इक्वल टू 3/2 2x+1, और d इट मीन्स 2r होता है रेडियस में, तो कितना हो जाएगा 3/2 2x+1 है ना, r इक्वल टू 3/4 2x+1 हमें मिला। बात क्लियर हुई? फिर हम वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून। ठीक है ना, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 πr³। बात क्लियर हुई? और r का वैल्यू हमारे पास ये है ही। सो r का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो v इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4/3 × π। r का वैल्यू r^3 यानी 3^3 × 4^3 × 2x+1³। तो r का वैल्यू हमने पुट किया। अब हमें देखो r का वैल्यू हमारे पास आ गया, और ये इक्वेशन पूरी हमारे पास किस रूप में आ गई, x के रूप में आ गई, और हमें फाइंड क्या करना था, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। इस मीन्स हम इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में, है ना। सो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उन्हें हम ये टू टाइम्स ठीक है ना, तो v इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यानी कि 9/16। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9/16, और 2x+1³। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv/dx हमें फाइंड करना है। तो dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16 × चेन रूल लगाना है। सबसे पहले पावर का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, पावर का हो जाएगा एक कम, ठीक है ना। उसके बाद में हमें 2x+1 का करना है, तो सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पर 2, 1 का हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास मिला, 2 से ये कैंसिल आउट 8 टाइम्स, तो dv/dx जो है वो कितना मिल जाएगा 9 × 3 = 27/8, एंड ये आ जाएगा 2x+1² तो फाइनली dv/dx हमारे पास आ गया, ठीक है ना। इसको आप चाहे cm³/cm लिखो, या आप इसको m³/m लिखो, ठीक है ना। तो ये वाली यूनिट इसमें लगेगी कि वॉल्यूम अपॉन डिस्टेंस x है ना। तो dv/dx हमारे पास आ गया 27/8 2x+1² ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली आपको वॉल्यूम का इक्वेशन लिखा और उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो x तो है नहीं इसके अंदर, तो उसने उसके लिए क्या दिया डायमीटर, ये तो डायमीटर हमें चाहिए नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए रेडियस। तो डायमीटर को हमने रेडियस लिखा 2r, और यहाँ से हमने r का वैल्यू निकाल लिया, और r का वैल्यू उठा के इसमें पुट किया, और इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा, कॉपी करने से पहले इसमें ये जो पाई है 9π, ये हम लिखना भूल चुके हैं, तो इस पाई को भी आप इसमें लिख दोगे तो ये हो जाएगा 27π/8 2x+1² ठीक है ना। तो अब कॉपी करेंगे आप इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल कॉस्ट जिसको cx से उसने लिखा, एसोसिएशन विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय cx दिस, है ना। मतलब x यूनिट प्रोडक्ट निकालने की जो कॉस्ट है उसको उसने इस इक्वेशन के रूप में हमें दिया। बात क्लियर हुई? कह रहा फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब हमारे पास 3 यूनिट्स हो जाती हैं तब उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमें फाइंड करनी है। वेयर द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। तो उसने देखो क्या कहा, समझना आप बात को, कि इंस्टेंटेनियस मतलब dy/dx हमने सो समझा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए पूछेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट क्या है ये, है ना, और इसका उसने पूछा क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा,
क्योंकि इसका हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना पड़ेगा, कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एनी लेवल ऑफ आउटपुट कोई भी आपका प्रोडक्शन हो उसके लिए आपको इसका क्या निकालना है, रेट चेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे पहले, गिवन टोटल कॉस्ट, आप इसको बोलो क्या, टोटल कॉस्ट क्या मिल जाएगी, सी एक्स इज इक्वल टू 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 500,000, ठीक है ना। तो उसने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल कॉस्ट का इक्वेशन है ना, इसका मुझे अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। सो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, बात क्लियर हुई, क्या लिख रहे हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। तो क्या मिलेगा, देखो 3 बाहर आ जाएगा इंटू 0.005x² मिलेगा, माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटू 0.02x हमें मिलेगा, प्लस 30x का कितना हो गया 1। उसने कहा कि जब हमारे पास जो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, कब, एक्स इक्वल टू 3 यूनिट्स जब होती हैं हमारे पास, तो हमें उसका टोटल कॉस्ट का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स में हमें एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 3 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, देखो 3 इंटू 5 15, यानी कि 0.015 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। माइनस साइन ये कितना मिल जाएगा हमें, 0.04 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3, और प्लस 30 सिंपली हमें ये लेना ही है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी 3 कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 9, है ना, और 9 का मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 9 का मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना हो जाएगा 4 9 4 13 3 1 1.0, है ना, 0.135 हमें मिलेगा, जो हम 15 इंटू क्या करेंगे 9 करेंगे, ठीक है, हो गया। माइनस 0. कितना मिलेगा, 4 3 12, यानी 0.12 प्लस 30 हमें मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करो, डी बाई डी एक्स ऑफ सी 3 हमें कितना मिल जाएगा भाई, 30 प्लस कितना होगा 30.135 माइनस 0.12, माइनस करेंगे 30.135 में 0.12, तो 5 ऐसे ही 1 ऐसे ही 0 एंड 3, तो ये हमें मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सी 3 क्या आ गया भाई, 30.015, या आप इसको बोलो 30. इसको आप क्या लिख दोगे, इस वन को 2 0 2 ऑलमोस्ट, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि 30.02 उसका कॉस्ट होगा उस समय पे जब 3 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगी, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो मार्जिनल कॉस्ट वाले जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम सिंपली डायरेक्ट इनको डिफ्रेंशिएट करना है, और एक्स का जो वैल्यू जिस यूनिट्स के लिए वो पूछेगा वो हमें पुट करके उनका आंसर निकालना है, बात क्लियर हुई, ठीक है ना, सिंपल है बहुत। तो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्या कहा उसने, रेडियस ऑफ स्पेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग मीन्स पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है ना, चलिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो क्वेश्चन पूछे, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस वॉल्यूम, सरफेस वॉल्यूम यहाँ पर पूछा उसने, सरफेस एरिया यहाँ बात की उसने, वॉल्यूम की, तो यहाँ पर सरफेस एरिया पूछा जब रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग कर दिए इसने, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड पार्ट, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसने बस
थ्योरी बढ़ा दी है इसकी और पूछा, इसने दो पॉइंट दिए हैं कि भाई आप सरफेस एरिया निकालो और वॉल्यूम में चेंज निकालो, क्या होगा जब रेडियस उनका ये रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, इनको तो रफ कर देते हैं, सॉल्यूशन में लिख देते हैं, गिवन क्या है, चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, चेंज इन रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, उसने कहा इंक्रीज, सो ये आ गया पॉजिटिव। बात क्लियर हुई? फिर क्या कह रहा है वो, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो ये वाला है, कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, सबसे पहले हम लिख रहे हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप, क्या लिख रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप, है ना। और भाई सरफेस एरिया को हम लिखते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक है ना। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करेंगे, ds अपॉन dt कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 4 × 2πr इंटू डी आर अपॉन डी टी, है ना। और ds अपॉन dt हमें फाइंड तो करना है, लेकिन कब, जब r इक्वल टू कितना हो जाए भाई यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। सो वैल्यूज पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8πr का वैल्यू 7 इंटू डी आर अपॉन डी टी हमें दे रखा है 0.2, ठीक है ना, 56, यानी कि डी आर अपॉन डी एस अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वह हमारे पास आ जाएगा 56 इंटू 0.2 पाए 12 to 1, है ना, कितना हो गया भाई, 1 × 10 = 12 = 11, है ना, 112 हो गया, 112 में 11.2 पाए, यानी कि डी एस अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ गया, 11.2 पाए, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करेंगे आप, उसके बाद में हम ये जो सेकेंड पार्ट है इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये हम सॉल्व करेंगे। सो कॉपी करेंगे इसको। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा चेंज इन सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो हमारे पास आ गया डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 11.2 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है इसका, उसकी हम बात कर रहे हैं, और सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सोप, और वॉल्यूम को लिखते हैं वी से 4/3πr³। बात क्लियर हुई? फिर हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, 4/3 × 3πr² × dr/dt। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि dv अपॉन dt हमें फाइंड करना है कब, जब r इक्वल टू कितना हो जाए इस केस में, 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर, सो वैल्यूज पुट करेंगे, कितना मिलेगा, 4π × आर कितना, 5² × dr/dt कितना है हमारे पास, 0.2। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 25 × 100 हो गए आपके पास पाए इंटू 0.2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना हो जाएगा, 200। तो cv अपॉन dt इज इक्वल टू 200 ना, 20.0 पाए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि डी वी अपॉन डी डी टी आपके पास आ गया 20π² × cm³/s। सो वॉल्यूम में चेंज होगा 20π, एंड जो उसका सरफेस एरिया है या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें चेंज होगा 11.2 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
बात क्लियर हुई। वॉल्यूम के लिए हम यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एंड सरफेस एरिया के लगाएंगे हम एरिया वाली सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आपको शब्दों को पकड़ते हुए क्या पूछ रहा है, किसकी इक्वेशन हमें बनानी होगी, किसके रिस्पेक्ट में हमें उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, वो सब चीज़ें हमें देखते हुए चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है ना। वैसे टफ नहीं बोल सकते इसको, लेकिन थोड़ा सा अच्छा इसको बोल सकते हैं। कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एक नली से एक बालू जो है वो उड़ेली जा रही है, और उड़ेली की जो दर है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कोन, है ना, द जो फॉलिंग कोन है वो एक कोन का रूप लेती है, कॉर्नर ऑफ अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है ना। जो उस कोन का बेस है, अभी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, उस कोन का जो बेस है, उस बेस का जो रेडियस है, उसकी जो हाइट है वो उस रेडियस का क्या है, 1/6 पार्ट है, 1/6 पार्ट है। हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, है ना। तो उसने पूछा कि हाइट में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात कीजिए, कि हाइट में परिवर्तन की दर क्या होगी जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। एक बार फिर समझेंगे कि एक नली से बालू उड़ेली जा रही है ज़मीन पर, बात क्लियर हुई, और उड़ेली की दर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। और उसकी जो हाइट है वो उसके जो आधार का रेडियस बनेगा, उस आधार के रेडियस का हाइट कितना है, 1/6 पार्ट है। तो समझते हैं यहाँ पर कि मान लो कि ये आपका एक सैंड जो है, आप नली के थ्रू ग्राउंड पर पटक रहे हो और उड़ेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, और सस्ता वाला हम कोन बना रहे हैं फिर से। तो ये आपका कोन है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से आपने बालू उड़ेली, और जो कोन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका ज़मीन पे। तो ये इस कोन की क्या हो गई भाई, आधार की त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई आर, ठीक है ना। और ये इसकी होगी साहब हाइट h, बात क्लियर हुई। तो बालू उड़ेल रहे हैं, ये तो उसकी हाइट है, और ये उसका रिच आधार का क्या है, रेडियस है। अब बात समझो सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, है ना। सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब कौन का जो वॉल्यूम है उसमें चेंज है। तो हम लिख रहे हैं चेंज इन, समझ में आ रहा है ना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमें दे रखा है, या आयतन में परिवर्तन की दर हमें दे रखी है। तो लिख रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है भैया, डीवी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और जब बालू उड़ेलोगे आप तो इसका वॉल्यूम बढ़ता हुआ जाएगा, यानी पॉजिटिव मिलेगा। इतनी बात समझ भाई। फिर कह रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जो हाइट ऑफ कोन है वो रेडियस का 1/6 पार्ट है। यानी कि r इज इक्वल टू, मैं यहां से बोल सकता हूं 6h, है ना। ये तो क्वेश्चन में कहना है उसने कि जो हाइट है, फिर से पढ़ो, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। हाइट जो है वो रेडियस का क्या है, 1/6 पार्ट है, ठीक है ना, ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कह रहा हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है, यानी कि हाइट में क्या चेंज आ रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इतना हमें गिवन है। अब देखो वॉल्यूम में हमें डी वी अपॉन डी टी गिवन है, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिखना होगा। तो लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम हमने लिखा,
वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं इस वॉल्यूम में देखो हमें दे रखा है डी वी अपॉन डी टी, ठीक है ना, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो देखो हमें क्या मिलेगा, डी वी अपॉन डी टी मिल जाएगा इधर, और इधर हमें क्या मिल जाएगा डी एच अपॉन डी टी, और हमें फाइंड भी क्या करना था डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना था, लेकिन देखो साथ ही साथ हमें यहाँ पर मिल जाएगा डी आर अपॉन डी टी, लेकिन डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास नहीं है और ना ही वो उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें क्या चाहिए डी एच अपॉन डी टी चाहिए, तो क्या करेंगे डी आर अपॉन डी टी ना आए, है ना, तो उसके लिए हम यहाँ से आर का वैल्यू 6h यहाँ पुट कर देंगे, और इसी वजह से ये लाइन हमें गिवन थी कि h इक्वल टू r बाई 6 वाली, कि जो उसकी हाइट है वो बेस का जो रेडियस है उसका कितना पार्ट है 1/6 पार्ट है, समझ में आया, तो इसलिए हमें ये लाइन गिवन थी ताकि हम इस r को h के रूप में लिख सकें, बस समझ में आई, हमें क्या फाइंड करना है डी एच अपॉन डी टी, तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे r का, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा 1/3 पाई, r का वैल्यू कितना है 6h का होल स्क्वायर इंटू h, सॉल्व करो इसको, v इक्वल टू 1/3 पाई कितना मिलेगा 36 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, 3 से ये कैंसिल आउट 1 टाइम 2 टाइम्स, तो क्या मिल गया 12 पाई एच टू द पावर 3, वी इक्वल टू हमारे पास आ गया 12 पाई एच टू द पावर 3। नाउ अब क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वहाँ से सॉरी एक्स नहीं टी, वहाँ से डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू हमारे पास गिवन है, सो क्या निकाल देंगे हम डी एच अपॉन डी टी, सो क्या लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 इंटू पाए एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी, ठीक है ना, सो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी अपॉन 12 3 36 इंटू पाए इंटू एच स्क्वायर, और डी एच अपॉन डी टी हमें फाइंड कब करना है जब एच इक्वल टू कितना हो जाए भाई 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी वैल्यूज पुट करेंगे, डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू कितना गिवन है 12, देखिए 12 अपॉन 36 इंटू पाए इंटू 4 इंटू 4 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, तो 12 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 48 पाई, है ना, हाइट एच पूछा है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये चेंज आएगा उसकी हाइट में, है ना, डी एच अपॉन डी टी जो हाइट में चेंज इन हाइट वो पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव मिला, सो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन हाइट जो है वो हमें कितना मिलेगा डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, बात क्लियर हुई, ठीक है ना, सो एक बार फिर समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नली से आप बालू रेत जो है वो ज़मीन पर उड़ेल रहे हो, और उड़ेलने की जो दर है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फिर उसमें जो उसकी हाइट है कोन की वो उसके जो आधार का रेडियस है उसकी क्या है 1/6 पार्ट है, यानी कि h इक्वल टू क्या है 1 r/6, जो उसकी हाइट है वो रेडियस का 1/6 पार्ट है, तो h इक्वल टू हमें r/6 मिल गया, इतना हमें गिवन था, तो उसने पूछा कि हाइट में बढ़ने या घटने की दर, वैसे उसने कहा कि इंक्रीजिंग, यानी कि हाइट जो है जब आप बालू उड़ेलोगे ज़मीन पर तो हाइट क्या है इंक्रीज होगी, तो इस हाइट में इंक्रीजिंग की दर वो पूछ रहा है कि किस दर से इसकी हाइट बढ़ रही है जब इसकी हाइट कितनी हो जाए 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो हमें क्या गिवन था, हमें बालू उड़ेल रहे हैं ज़मीन पर उसकी दर हमें गिवन थी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब हमें क्या गिवन था वॉल्यूम गिवन था, तो वॉल्यूम यानी कि डी वी अपॉन डी टी हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो हमने वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिख ली, और इस लाइन को भी हमने किस में लिखा मैथ में लिखा, और मैथ में क्या हुआ वो एच इक्वल टू आर बाई सिक्स यानी कि आर इक्वल टू 6h हमें मिला, बात क्लियर हुई, तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम में एक इक्वेशन लिखी इस तरीके से, हमें यहाँ से डी वी टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता डी वी अपॉन डी टी मिलता, डी आर अपॉन डी टी मिलता और डी एच अपॉन डी टी मिलता, तो डी एच अपॉन डी टी तो हमें फाइंड करना है लेकिन डी आर अपॉन डी टी हमें नहीं चाहिए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ से आर का वैल्यू 6h इसमें पुट किया, पुट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो v इक्वल टू में मिल गया 12 पाई h टू द पावर 3, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमने इसमें dv अपॉन dt का वैल्यू रखा और h का वैल्यू रखा और फाइंड किया हमने dh अपॉन dt वैल्यू पुट की और dh अपॉन dt हमारे पास आ गया 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, बात क्लियर हुई, तो इस तरीके से हमने चेंज इन हाइट निकाला इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो कभी करेंगे इसको,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15। तो क्वेश्चन नंबर हमने किया था शायद 7 हमने किया था, ऐसा चेक करते हैं एक बार। यस, क्वेश्चन नंबर 7 ही किया था हमने। तो सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये जो रेवेन्यू रिसीव्ड वाला कॉस्ट जो हमें दे रखा है आर एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स रिस्पेक्ट में, और एक्स इक्वल टू 15 रखकर हमें जो इसका मार्जिनल रेवेन्यू है वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। क्या गिवन है बेटा? टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास? आर एक्स इज इक्वल टू 13x² + 26x। तो उसने कहा 26x + 15, ठीक है ना। सो हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। सो लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy/dx ऑफ rx क्या हो जाएगा? 13 × 2x + 26, है ना, ये हो जाएगा 26x + 26। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से 26 बाहर निकालूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? x + 1, यानी कि हमारे पास आ गया dy/dx ऑफ rx, ठीक है ना। फिर हमसे उसने पूछा कि जब x इक्वल टू 15 हो जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालना है। तो लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल टू 15, व्हेन x इक्वल टू 15, सो dy/dx ऑफ r x, ठीक है ना। कितना दे रखा था हमें? 26x + 1। सो हमें 15 के लिए निकालना है, तो dy/dx ऑफ 15 रखेंगे यहाँ पर, 26 15 + 1, सो ये हो जाएगा 26 × 16, मल्टीप्लाई करो इनका, ठीक है ना। तो dy/dx ये मिल जाएगा हमें 416 dy/dx ऑफ r 15, कितना 416। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और x का जो भी वैल्यू देगा उस वैल्यू के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 8.2 का इंट्रो स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। थैंक यू।